बहुत बहुत बधाई। दिल्ली आज 97 नई इलेक्ट्रिक बसेस के साथ अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की, और ये चार्जिंग स्टेशन का आप देख सकते हैं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को इस चार्जिंग स्टेशन की तकनीक के विषय में जानकारी दे रहे हैं। बसों को देखना चाहते हैं और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय चार्जिंग स्टेशन में, जैसा हम सब देख रहे हैं इस समय, नोजल खुद इंडक्ट कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री अपने करकमलों से, देखिए, और साथ में परिवहन मंत्री महोदय, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट और MD DTC, ये नोजल इस समय लगाए गए हैं। तकनीकी साथी हमारे इसके विषय में बता रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अब चार्जिंग स्टेशन में जाकर देख रहे हैं कि किस तरह ये बस चार्ज होगी। नोजल बस में फिट कर दिया गया है और अब वहां जो तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट वहां खड़े हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को स्क्रीन पर समझा रहे हैं किस तरह, कैसे वो स्क्रीन फंक्शनिंग करेगी, ये सारी जानकारी। एक बस की अगर हम बात करें, लगभग एक बस अगर 0% बैटरी उसकी है और उसे 100% आपको चार्ज करना है, तो लगभग टेक्निकल टाइम जो बताया है टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, उसमें 42 मिनट का समय लगता है। और इस 42 मिनट के समय को आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि 0% से 100% पर वो पहुंचेगी। वहां से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अब इन 97 बसों को देखते हुए, जो आज दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या को बढ़ाकर 250 करेगी। दिल्ली अपनी जानी जाती है सेवाओं के लिए, और दिल्ली की ये बसेस 12 मीटर लंबी हैं, जीरो स्मोक है, प्रदूषण रहित, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल GPS और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे, महिलाओं के लिए अलग सीट। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अब एक बस को खुद देख रहे हैं जाकर। और यहाँ से आप देखेंगे बस का एक बार निरीक्षण कर रहे हैं आदरणीय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बात करते हुए हमारे DTC के उन साथियों से जो इस बस में मौजूद हैं। ये बस अब दिल्ली की सेवा के लिए कुछ समय के बाद सड़कों पर होगी। दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं, सेवाएं देने के लिए। अगर तकनीकी विकास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की आधुनिक लो फ्लोर बसें हैं। बसों को देख रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बस के अंदर, और ये आप देख रहे हैं परंपरागत तरीके से सर ने बस के उद्घाटन के उपरांत वापस बस के अंदर, बस में सारी पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगी हुई है। और आप अगर बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इसे GPS ट्रैक कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व अगर देखें DTC का, तो उसमें दिल्ली परिवहन निगम विकलांगों के लिए, शहीदों की विधवाओं के लिए, आश्रितों के लिए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले साथियों, हमारे पत्रकार साथियों और महिलाओं के लिए बसेस का विशेष संचालन करता है और वहाँ पर बसेस में विशेष रियायतें देता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम। DTC के सभी बड़े अधिकारी इस समय यहाँ उपस्थित, और इन बसेस की यही विशेषता है कि इन बसेस में किसी भी प्रकार का धुआं आपको सड़क पर मौज दिखाई नहीं देगा। किसी भी तरह का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बसेस में सारी व्यवस्था आज के लेवल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों में जो
प्रतिस्थापित हैं वो सारी आपको बसेस में मिलेंगी। बस का विशेष तौर पर निरीक्षण करते हुए सीटों पर बैठकर भी देखा है, सेल्फी भी ले रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इन बसेस की क्या डिमांड होगी। जनता इन बसेस का भरपूर इस्तेमाल करती है। आज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एयर कंडीशनड बसें हैं और इनका किराया अगर आप अंतर करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये किराया बहुत ही सस्ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं और कम किराए में अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए दिल्ली, और डीटीसी की बसेस आपका स्वागत कर रहे हैं। डीटीसी की बसेस की अपनी विशेषताएं, चार्जिंग स्टेशन में यहाँ 50 बसें हम चार्ज करेंगे। दिन में दो बार ये चार्जिंग होगी, सुबह और रात को। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पहुंच रहे हैं, जोरदार तालियों से आपसे अनुरोध अभिवादन करें और अभिनंदन करें आदरणीय सर का। साथ ही मेरा अनुरोध, जो लोग गैलरी में हैं प्लीज आप लोग यहां से हट जाएं, प्लीज आप लोग गैलरी से हट जाएं। मीडिया के साथियों से भी विशेष अनुरोध, आप लोगों के लिए रेज्ड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। सर ने डीटीसी की बस का अभी इंस्पेक्शन किया है, प्लीज गैलरी से सभी लोग हट जाएं। अब सर हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करेंगे, तो मेरा अनुरोध हमारे सभी साथियों से बस को निकलने का रास्ता दें। आपका उत्साह निश्चित तौर पर हम सब के लिए गौरव का विषय है। और अब बस, मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय से आए और ये फ्लैग दिखाकर बस की यात्रा रवाना करें। और आप सब जोरदार तालियों से देखिए दिल्ली की बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस की ये एक सौगात। 17 जनवरी 2022 को पहली इलेक्ट्रिक बस, 7 मार्च 2022 को दूसरी इलेक्ट्रिक बस, 24 मई को 150 इलेक्ट्रिक बस, और आज 24 अगस्त 2022 97 नई बसें, और इस तरह दिल्ली में 250 इलेक्ट्रिक बसेस। मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से बस के रास्ते का ध्यान रखें और बस आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर, और साथ ही एमडी डीटीसी श्री नीरज सेमवाल जी, गोयल सर एमडी, और इसी तरह से सभी बसेस। देखिए बसों की अपनी विशेषता, इन बसों को एयर कंडीशनड बसें, बहुत ही कम किराया। अगर आप अपेक्षाकृत एसी बस का किराया देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 12 मीटर लंबी लो फ्लोर एसी बस है, जीरो स्मोक है, महिलाओं के लिए पिंक सीट आप देख पा रहे होंगे, दिव्यांगजनों के लिए बस के गेट पर नीलिंग रैंप है, और जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। आपको रियल टाइम पता चल जाएगा कि बस कितनी देर में आपके स्टैंड पर पहुंच रही है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और बस में अन्य सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन बसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि बस की सभी आंतरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। और मेरा अनुरोध आप सब अगर हट जाएं सामने से तो हमारे ड्राइवर साथी को बहुत आसानी से, जगह कम है और आप देख रहे हैं बड़ी गाड़ी है, हम सब की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेरा अनुरोध थोड़ा थोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका उत्साह, सही में दिल्ली की जनता भी इतनी ही उत्साहित है इन एसी बसेस को लेकर, बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित सफर होने जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में सितंबर 2022 तक 300 बसों का लक्ष्य रखा गया है, और आज की इन 97 बसों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इस बस को रवाना उन्होंने किया है फ्लैग दिखाकर। 97 नई बसें आज से और दिल्ली की जनता की सेवा में होंगी, और अब 250 इलेक्ट्रिक बसें इस समय यहां दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आरामदायक सुरक्षित। मेरा अनुरोध हमारे सभी अतिथिगण से स्थान ले, उस बस को रोक लीजिए रविंदर जी प्लीज।
मेरा अनुरोध आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर एक छोटा सा संबोधन और जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय। मंच पर आसीन हम सबके चहीते लोकप्रिय हम सभी की दिल की धड़कन माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा जी, डीटीसी के एमडी नीरज सेमवाल जी, स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट गरिमा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी स्टाफ, पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मीडिया के बंधुओं को सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से डीटीसी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और ये मुंह तोड़ जवाब भी है। जो लोग कहा करते थे कि डीटीसी बंद होने वाली है और सीएम साहब के नेतृत्व में हमने हमेशा ये कहा कि डीटीसी को हम कभी भी बंद नहीं होने देंगे, बल्कि उसको दुनिया का सबसे बढ़िया एक स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के दिखाएंगे। और जीता जाता एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, लगातार डीटीसी में बसों के कि इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन अगर दिल्ली में शुरुआत हुआ तो वो डीटीसी के बेड़ों में हुआ और पिछले कुछ महीनों से लगातार हम इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हुए देख रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 150 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं और मैं सबको ये भी बताना चाहूँगा कि 150 इलेक्ट्रिक बसेस 28 लाख किलोमीटर ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल चुकी हैं। काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन है कि दिल्ली को ईवी का कैपिटल बनाना है, उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। पिछले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 60,000 से अधिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी ऑलरेडी हम अलग अलग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिक हैं उनको हम दे चुके हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में और ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस भी जोड़ते रहेंगे। 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, जिसका प्रोटोटाइप और इंडक्शन नवंबर दिसंबर से चालू हो जाएगा और 2023 के अंत तक वो 1500 इलेक्ट्रिक बसेस भी इंडक्ट हो जाएंगी। तो 1500 इलेक्ट्रिक बसेस वो और 300 इलेक्ट्रिक बसेस जिनका इंडक्शन अभी चल रहा है। माननीय सीएम को मैं बताना चाहूँगा कि सर ये 1800 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के बसों के बेड़े में जुड़ने के बाद पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में होंगी। एक बार फिर दोबारा मैं पूरी सभी दिल्ली वासियों को आज के इस शुभ अवसर पे, जिसपे कि 97 इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हो रहा है, माननीय सीएम साहब ने खुद अपने हाथों से हरी झंडी दिखा के इनका फ्लैग ऑफ किया, सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे डीटीसी के स्टाफ को, कर्मचारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएम साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने फ्लैग ऑफ के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं, दिल्ली का ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। आज इन बसों के साथ 250 बसें इलेक्ट्रिक अब हमारी रोड पर हो जाएंगी और 3 डिपो राजघाट, रोहिणी सेक्टर 37 और मुंडेला कला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस की तैयारी के साथ तैयार हो गए हैं। इस अवसर पर अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर संबोधन के लिए, एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
आज सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी तक अपने दिल्ली की सड़कों पे 153 इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। पिछले कुछ महीनों में समय समय पे हमने जब बसें आईं उनका उद्घाटन किया, उनको बसों को उतारा। आज 97 बसेस और दिल्ली की बस सड़कों के ऊपर उतर रही हैं। इनको मिला के आज लगभग 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस 250 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगी और 50 और बसें सितंबर के महीने में आ रही हैं। तो 300 बसें 30 सितंबर तक लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। ये बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे हम पल्यूट करने वाली बसों को रिप्लेस करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको हम लोग सड़कों पे उतारते जा रहे हैं। इसके अलावा 1500 और बिजली इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर कर दिया गया है, किया जा रहा है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक, 2023 के अंत तक 1800 बसें हो जाएंगी। वो 1500 बसें अगली साल के अंत तक आ जाएंगी, तो 1800 बसें नवंबर 2023 तक हो जाएंगी और इसके बाद फिर बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली की सड़कों के ऊपर लाया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2025 के अंत तक 6380 और बसें ले आएंगे, 6380 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस और ले आएंगे। तो 2025 के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी, जिसमें से 8,180 बसें इलेक्ट्रिक होंगे। तो लगभग 80% बसें 2025 के अंत तक 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। अगली साल नवंबर के अंत तक जो 1800 बसें आएंगी, उसके बाद ही दिल्ली देश में ऐसा शहर हो जाएगा जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। लेकिन मैं समझता हूं 2025 के अंत तक जब लगभग 8000 बसेज इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली की सड़कों पे होंगी तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। आज दिल्ली में 7373 बसेस चल रही हैं, अभी तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें हैं, इतनी बसें कभी नहीं थी। डीटीसी की और क्लस्टर की मिला के आज 7373 चल रही हैं, सबसे ज़्यादा बसें चल रही हैं। बस डिपोज का भी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि बसें आएंगी तो उनके चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। 55 बस डिपो हमने प्लान किया है, इनको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। 3 बस डिपो पे लगाए जा चुके हैं, 17 और अगली साल तक लगा दिए जाएंगे और 2023 तक के अंत तक सारे 55 डिपोज तैयार हो जाएंगे। तो जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा मकसद है, जैसे बिजली, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी दुनिया आज दिल्ली की तरफ देख रही है कि कितने शानदार स्कूल बना दिए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में दिल्ली को पूरे दुनिया का मॉडल बनाना है। हमें उनसे सीखना भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मॉडर्न सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे और दिल्ली को दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल, ट्रांसपोर्ट का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, सारी सुविधाओं के साथ, सबके साथ। कल 11 महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई। उन सभी बहनों को मैं बधाई देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, आने वाले समय में, अगले कुछ महीनों में 200 और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएंगी। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के
दिल्ली की प्रगति, दिल्ली के विकास में काम कर रही हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, आज दिल्ली वासियों को खूब बधाई देता हूं। अगर कोई एक दो क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए, माइक। हेलो हेलो, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आगे और क्या प्लान है दिल्ली सरकार का, क्योंकि कई फेज में आप बसें तो लेकर आ रहे हैं लेकिन ठंड आ जाएगी, फिर वही प्रदूषण का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उस दौरान आपका क्या टारगेट रहेगा? मैं तो आपको 5 साल का बता, 2025 के अंत तक 80% दिल्ली में सड़कों पे जो बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। 8,180 बसेस 2025 के अंत तक दिल्ली की सड़कों पे होंगी। अगले साल के अंत तक 1,800 बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगे। तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही जो मामला इन दिनों चल रहा है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, चाहे CBI हो, ED हो, इसकी जांच तेजी से चल रही है? वो चलेगा, जब तक गुजरात का चुनाव होता है तब तक चलेगा। सीएम साहब, मेरा सवाल है, 2025 तक का आपने खाका दे दिया, सरकार तब तक टिक पाएगी क्या, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि लगातार विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है? ये आज पिछले एक दो दिन में मेरी भी नज़र में आया, कुछ विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है कि उनको CBI और ED का की धमकी देके डराया जा रहा है, उनको पैसे का लालच देके कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। ये बहुत गंभीर मसला है और आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने अपनी 4 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन, ये सरकारी मंच है, यहाँ पे अगर राजनीति की बातें ना हो तो अच्छा रहेगा। सर, अभी बसों की बात करते हैं अपने को, बाकी तो राजनीति तो चलती रहेगी। सर, आपने अगले 5 साल तक चार्जिंग, ये जो इलेक्ट्रिक बसों का आंकड़ा बताया है, तो क्या चार्जिंग स्टेशन जो है उनकी भी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी? 55 स्टेशन बना रहे हैं, 55 बस डिपोज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं और अगले साल के अंत तक सारे तैयार हो जाएंगे। 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स 2025 तक बन के तैयार हो जाएंगे। 18,000 बहुत है। थैंक यू सो मच।